और ये देखिए दोस्तों, ये हाथी का और यह कंकाल जो है एक औरत का है। ये देखिए, ये दरवाज़ा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों, अभी मैं नेशनल म्यूजियम में आ चुका हूँ और मैं इसमें देखने वाला हूँ इस म्यूजियम के अंदर क्या क्या है। दोस्तों, यहाँ पे जो आपका टिकट लगेगा 20 रुपये पर पर्सन आपको पे करने होंगे। दोस्तों, नेशनल म्यूजियम में आने के लिए आपका जो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है उद्योग भवन। वहाँ पे उतर के आप पैदल भी आ सकते हैं, ज़्यादा दूरी नहीं है। और चलिए अब इसके अंदर हम एंट्री करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको देखने को मिले। और जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको एक सेंसर वाला दरवाज़ा मिल जाएगा। आप जाएंगे, दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाएगा। और ये है एक प्रोजेक्शन रूम जिसमें आप देख सकते हैं तीनों साइड से प्रोजेक्शन किया गया है और इस पे कुछ कार्टूनिश चीज़ें आपको दिखाई जा रही है। हमारे पूर्वज जो थे वो इस पत्थर को कैसे हथियार बना करके यूज करते थे, औजार बना करके। ये उनके कुछ पॉट्स हो गए, बर्तन हो गए जो उस समय यूज किया करते थे। देख सकते हैं इसको, बहुत ही पुराना। ये स्टोरेज वगैरह का काम आता था उनका, किसी चीज़ को रखने के लिए भंडार बर्तन जैसे आप इसे नाम दे सकते हैं। और ये सब पुराने पुराने कुछ आप देख सकते हैं इसमें उनके यूज करने के छोटे छोटे पॉट बना करके पहले यूज होते थे। ये सब पहले के हैं, ये किसी ना किसी खुदाई के दौरान ये मिले हैं। ये सब आप जो देख रहे हैं ये मोहनजोदाड़ो का जो किला है उसके अंदर ये सब मिला है, इसको भी सब रखा गया है। हर चीज पे ये देख सकते हैं पहले हथियार वगैरह कैसे बनाना लोग शुरू किया था स्टार्टिंग में। और यह कंकाल जो है एक औरत का है और वो भी शादीशुदा औरत का है। हालांकि आप पूछेंगे ये आपको कैसे पता, दोस्तों उस पर मेंशन किया गया था क्योंकि इस कंकाल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली थी जिससे ये पता चलता है कि औरत जो है वो शादीशुदा है। उसके कुछ पोशाक जो मिले थे, उसके पहनावे थे, इससे पता चलता है कि ये शादीशुदा औरत है और उसके कंकाल मिले थे किसी किले में। ये आपको बेहतर जानने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि जितने भी यहाँ पे आप ये पुतले देख रहे हैं या फिर अलग अलग टाइप के पॉट या दरवाजे, ये सब चीज़ें जो है सब चीज़ों पे नीचे उसका लिखा गया है कौन कहाँ से मिला, क्या है इसका डिटेल्स। अगर एक एक डिटेल्स बताना अगर शुरू किया जाए तो दोस्तों मुझे लगता है इस पे 10-20 हज़ार से भी ज़्यादा इस पे ऐसे चीज़ें इसमें रखी हुई है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये वीडियो 5 घंटा का चला जाएगा। तो अगर बेहतर से आपको देखना है तो आप यहाँ पे जाएं म्यूज़ियम में और ये सब चीज़ें देख सकते हैं। ये देखिए उस समय की कैसे कैसे लकड़ियों को तराश करके बनाया गया है। कभी कभी तो इसमें डर लग रहा था दोस्तों। ये देखिए, ये दरवाज़ा है, उस पर दरवाजे पे देखिए डिज़ाइन कैसा मतलब उसको बनाया गया है। ये सब उसमें मूर्ति जो है देख सकते हैं, ये सब अलग अलग टाइप को आपको मिल जाएंगे। ऐसे टूटी हुई मूर्तियाँ ये सब रखे हुए हैं और सबका कुछ ना कुछ डिटेल्स रखा गया है। जिसका नहीं मालूम उसको सिर्फ ऐसे ही रखा गया है। ये देख सकते हैं ये बॉक्स बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये खड़ाऊ इसको बोल सकते हैं। ये देखिए ये कितना मतलब प्यारा लग रहा है। ये सब भी किसी ना किसी किले से प्राप्त हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये हाथी का दांत है, ओरिजिनल हाथी का दांत है, ये बहुत ही लंबा है। और उसके अंदर भी दोस्तों क्या कारीगरी की गई है, ये बहुत ही बारीकी से उसके अंदर मतलब डिजाइन निकाला गया है। ये देखिए ये सिंहासन इसको बोल सकते हैं, कितना ये अलग दिख रहा है। ये आप हुक्का जो आप समझते हैं ना, जो पीने वाला होता है, ये वही है। और ये देखिए ये उस समय के दरवाजे वगैरह कुछ बनाए गए हैं। मैं सिक्के वाले रूम में आया हूँ, अब बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। इतने सारे दोस्तों प्राचीन के सिक्के इसमें रखे हुए हैं कि एक एक करके अगर देखना हम शुरू करें तो शायद दिन भर लग जाए कि कौन से सिक्के कहाँ के हैं।
और ये होलोग्राम आप देखिए, इसको है कि प्रिज्म के अंदर होलोग्राम इसको बनाया गया है और बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। चारों तरफ से अंधेरा करके उसको दिखाया जा रहा है। और ये जब आप आ जाएंगे इसके अंदर, बीच में ऐसे एक फूल वगैरह लगा के रखा गया है म्यूजियम के बीच में, बीचों बीच में एक गोलाकार जगह को छोड़ करके। दोस्तों मैंने इसमें बहुत से ऐसे सामान देखे प्राचीन काल के, जो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे डिफाइन करूं, वीडियो में कैसे बताऊं लोगों को। तो मैं ऐसे ही वीडियो सिर्फ शूट कर लिया हूँ, क्योंकि हर एक सामान को अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। ये यहाँ का सामान है, ये यहाँ का है, ये इस समय मिला था। तो वैसे अगर बताऊंगा तो ये 4-5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ वीडियो में ऐसा दिखा दिया हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे विजिट करके उस चीज़ को आप बारीकी से देख सकते हैं कि ये कब का है और क्या है, कैसे कब यूज हुआ था, ये सब आप आ करके यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ दूसरा एक और बिल्डिंग है, उसमें देखता हूँ कि क्या क्या है। और यहाँ पे तो दोस्तों एक कैफेटेरिया है और इसके अंदर जो है एक और बुद्धा संबंधित आपको चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए। जो बुद्धा को मानने वाले हैं वो भी इनके बारे में डिटेल्स, उनकी मूर्तियाँ अलग अलग जगहों से मिली, ये सारे चीज़ आपको इसमें मिल जाएंगे देखने के लिए, जो बिल्कुल अलग अलग टाइप के हैं आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप पहले कभी यहाँ पे आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर आप आए हैं, इसमें कौन सी चीज़ें आपको सबसे अनोखी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप नहीं आए हैं, इस वीडियो में आपको कौन सी चीज़ें सबसे अनोखी लग रही है ये मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं भी जान सकूँ कि आपका अनोखा दिखने वाला चीज़ इसमें कौन सा है। फिल्म में दोस्तों ये नीचे आप देख रहे हैं, इसको प्रोजेक्शन किया गया है ऊपर से, और ये नीचे चलने पे वो पानी का आवाज़ आ रहा है, देखिए आप कैसे। और एक वेव की तरह भी बन रहा है, देख सकते हैं। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको क्या क्या चीज़ इसमें नई चीज़ें देखने को मिला जो शायद पहली बार आप देख रहे हो, उसे भी आप कमेंट करके मुझे बताइए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, शेयर कीजिए और बने रहिए अगले वीडियो के लिए।